नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फॉर मनी यूट्यूब चैनल पर। बात करने जा रहा हूं दोस्तों एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो कि अब तक चला नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेक्टर में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ भी बढ़िया चल रहा है, बट थोड़ा सा पूरा पूरा सेक्टर को यहां पर अब तक प्रेशर झेलना पड़ रहा है दोस्तों। सेक्टर का एक नंबर वन कंपनी और कंपनी का नाम है निप्पन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। कंपनी में दबा के दोस्तों यहां पर डीआईआई माल खरीद रहे हैं और इस क्वार्टर की अगर बात करेंगे, एलआईसी जो कि एक दिग्गज निवेशक है यहां पर अपना 1.36% का स्टेक यहां पर बढ़ा दिया है। कंपनी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, इसकी बिजनेस को हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो पहले आइए जो दोस्तों ओवरऑल बिजनेस है, ग्रोथ है जो सेक्टर में, पूरे पूरे सेक्टर में, इसके ऊपर पहले नजर डालते हैं। हर पॉइंट को दोस्तों यहां पर आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आपको जो है कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस जो है बढ़ा देगा। ओवर द लास्ट डिकेड द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज ग्रोन एट ए स्टेडी पेस ऑफ 7.0 लाख करोड़ टू 32.1 लाख करोड़। ये देखिए यहां से यहां तक पहुंच गया है, 7.0 लाख करोड़ से 32.1 लाख करोड़, एन अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स इंक्रीज इन स्पान ऑफ 10 इयर्स। 10 साल में 4 गुना बढ़ चुका है। फर्दर ड्यूरिंग द ईयर इंडस्ट्री सॉ ए हेल्दी ग्रोथ ऑफ 9% इन टोटल फोलियोज, लार्जली ड्यू टू इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड हायर रिटेल पार्टिसिपेशन। रिटेल पार्टिसिपेशन यहां पर बढ़ता जा रहा है। इसको अगर हम ग्राफ में देखेंगे, ये देखिए मार्च 2011 में 7.01 था और ये बढ़ के दोस्तों यहां पर देख पा रहे हैं टोटल एयूएम 32.11 लाख करोड़ पहुंच चुका है। यहां पर देखेंगे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ बढ़िया चल रहा है, पॉजिटिव वाली है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की ट्रेंड कैसा है इसको देखेंगे। दिस ईयर हैज सीन कंटिन्यूड ग्रोथ इन पार्टिसिपेशन। इस साल में भी पार्टिसिपेशन बढ़ा है, स्पेशली फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर इन इक्विटी फंड्स। द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एडेड 81 लाख फोलियोज ड्यूरिंग एफवाई 2021। द राइज इन फोलियोज वॉज ड्रिवन बाय हायर फोलियोज इन द पैसिव एंड फिक्स्ड इनकम कैटेगरीज, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ फोलियोज 9.79। ये देखिए 9.79 करोड़ फोलियोज इन द पैसिव कैटेगरी ग्रू बाय स्ट्रॉन्ग 130% फ्रॉम 32 लाख इन मार्च 2020 टू 73 लाख करोड़ इन मार्च 2021। 32 से 73 लाख करोड़ यहां पर जो नंबर ऑफ फोलियोज यहां पर बढ़ चुका है दोस्तों। यहां पर अगर हम ग्राफ में देखेंगे, ये देख पा रहे हैं आप, मार्च 2021 में 4.72 था और ये बढ़ के कहां पहुंच गया है, 9.79। क्या इंडिकेट कर रहा है, ग्रोथ बढ़िया चल रहा है, एक स्टेडी ग्रोथ यहां पर पूरा पूरा सेक्टर में आपको दिखेगा। नेक्स्ट और कुछ पैरामीटर के ऊपर भी हम यहां पर ध्यान देंगे। यहां पर देखिए NIMF निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड कंटिन्यूज टू बी एमंग द लीडर्स बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज सेगमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो टॉप 30 सिटीज हैं, जो कि जो बड़ी बड़ी जो कैपिटल हैं, इसके अलावा बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज और भी जो छोटा छोटा सिटीज हैं कैपिटल के अलावा, यहां पर भी इसका जो दोस्तों यहां पर जो है इसके जो लीडर है, इस सिटी में भी कंपनी एक मार्केट लीडर बन के उभर रहा है। यहां पर अगर देखेंगे एयूएम फ्रॉम B30 लोकेशंस, टोटल इंडस्ट्री को का देखिए आप आ रहे हैं, टोटल एयूएम है B30 लोकेशन में, छोटा छोटा जो सिटी है यहां पर 16.3% का यहां पर एयूएम टोटल इंडस्ट्रीज का है, बट NIFM का क्या है, टोटल एयूएम में से B30 लोकेशन में 17.9%, जबरदस्त ग्रो करते हुए आपको दिखेगा। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, यहां पर देखिए निप्पन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट है एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया विथ ओवर 25 ईयर्स ऑफ द ट्रैक रिकॉर्ड। ऐसा नहीं कि आजकल का कंपनी दोस्तों, इसको 25 साल काम करते हुए हो गया है। एंड टोटल एयूएम ऑफ 3.6 लाख करोड़ ऑन मार्च 31, 2021। टोटल कितना एसेट मैनेज कर रहा है कंपनी, देखिए 3.6 लाख करोड़। कंपनी की अगर हम टोटल बिजनेस को देखेंगे, कहां कहां बिजनेस करता है, यहां पर देखिए द कंपनी इज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग
कौन कौन सा फंड को ये मैनेज करता है, ईटीएफ्स, ईटीएफ मैनेज करता है जो कि जो है एक्सचेंज ट्रेड फंड हम जिसको बोलते हैं, देक मैनेज्ड अकाउंट्स इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस का काम करता है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड पेंशन फंड, ये देखिए पेंशन फंड को भी मैनेज कर रहा है और एआईएफ फंड को भी कंपनी मैनेज कर रहा है, ऑफशोर फंड को भी ये मैनेज कर रहा है। डिटेल में एक एक करके जानेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जानना हमको बहुत ही जरूरी है, तब जाके कंपनी के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस जो है बढ़ेगा दोस्तों, और इसको हम आराम से एक्युमुलेट कर पाएंगे। आप कोई भी कंपनी में निवेश क्यों ना करें, बिजनेस के ऊपर आप आपका फोकस तो 100% होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, देखिए लीडरशिप पोजिशन इन द पैसिव कैटेगरी, जो ईटीएफ कैटेगरी है में है ये कंपनी लीडर कंपनी है। इसमें देखिए 37,272 करोड़ का ये जो है दोस्तों एसेट मैनेज करता है ईटीएफ सेगमेंट में। द कंपनी हैज द लार्जेस्ट सूट ऑफ पैसिव प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री विथ 22 ईटीएफ स्कीम्स एंड 5 इंडेक्स फंड, देख पा रहे हैं 22 ईटीएफ स्कीम चलाता है और 5 इंडेक्स फंड को ये कंपनी जो है मैनेज करता है। एनआईएमएफ सक्सेसफुली लॉन्च्ड 8 न्यू फंड्स, कंपनी ऐसा नहीं है कि फंड लॉन्च नहीं कर रहा है, 8 न्यू फंड्स इन दिस फिस्कल, इंडिकेटिंग इट्स स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू द इन्वेस्टर फास्ट फिलोसॉफी। देखिए कंपनी देखिए इन्वेस्टर फास्ट फिलोसॉफी में काम करता है विथ ओवर 23 लाख फोलियोज। एनआईएमएफ हैज 42% ऑफ द इंडस्ट्रीज फोलियोज मार्केट शेयर, देखिए 42% है इसका मार्केट शेयर इस सेगमेंट में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को यहां पर देखेंगे, एनआईएमएफएफ एड अप्रोक्सीमेटली 14 लाख फोलियोस इन FY21। इसमें देखिए एड भी कर रहा है, ग्रोथ जबरदस्त है, 14 लाख फोलियोस भी कंपनी एड कर रहा है। आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं ला रहा है, बिजनेस जबरदस्त ला रहा है दोस्तों कंपनी। टू कम अप्रोक्सीमेटली 98,000 इन FY22, ये देखिए इसमें देखिए बढ़ रहा है ना, 72% ऑफ द एक्सचेंज वॉल्यूम्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय एनआईएफएम ईटीएफ स्कीम। अब देखें टोटल जो वॉल्यूम है यहां से आता है, 72% एक्सचेंज वॉल्यूम ये कंपनी जो है ईटीएफ स्कीम इसको देता है। नेक्स्ट बात करेंगे, देयर हैज बीन ए कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन ऑफ एचएनआई, जी हां दोस्तों बड़ी बड़ी इन्वेस्टर जो हाई नेटवर्क वाली इन्वेस्टर में सेगमेंट इन पैसिव प्रोडक्ट्स, बढ़िया पार्टिसिपेशन है, इंडिकेटिंग ग्रेटर एडॉप्शन बाय एन इवॉल्व्ड क्लास इन्वेस्टर, यहां पर देख पा रहे हैं। ईटीएम एयूएम की अगर हम बात करेंगे यहां पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए मार्च 2018 में कितना था, 13,296 करोड़, ए बढ़ के यहां पर इस सेगमेंट में देखिए 37,272 करोड़ हो गया है दोस्तों कंपनी का। ग्रो कर रहा है कि नहीं, ग्रो चल रहा है कि नहीं, आप देख पा रहे हैं ग्रोथ भी जबरदस्त यहां पर ईयर वाइज दिखा रहा है कंपनी। नेक्स्ट सेगमेंट है पीएमएस, द कंपनी प्रोवाइड्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये देखिए जो जितने भी ये इनको पीएमएस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। द कंपनी हैज बीन वन ऑफ द फ्यू एमसीज इन इंडिया हु हैव ओन द मैनेज्ड वेरियस प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट मैंडेट्स, ये देखिए ये वन ऑफ द ऐसा कंपनी है जो कि बहुत सारे प्रेस्टिजियस मैंडेट्स इनके पास है, इनके पास है पास यहां पर इन द पास्ट ये एक्वायर कर चुका है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी ओन द प्रेस्टिजियस पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस मैंडेट, समझ पा रहे हैं आप। एट प्रेजेंट द कंपनी मैनेजेस टू प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट मैंडेट्स, दैट इज पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIS, ये जो दो मैंडेट हैं दोस्तों प्रेस्टिजियस मैंडेट इनके पास हैं, देख पा रहे हैं। बिजनेस जबरदस्त है, बेहतरीन है, बट थोड़ा सा प्रेशर झेल रहा है। मैं बोलता हूं दोस्तों कि ये छप्पर फाड़ देगा आराम से 100%, इसमें आप बिल्कुल नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफशोर फंड, ये क्या होता है इसके ऊपर भी हम डिटेल में देखेंगे। ये देखिए द कंपनी मैनेजेस ऑफशोर फंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू इट सब्सिडियरीज इन सिंगापुर एंड मॉरिशियस एंड हैज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस एट दुबई, ये जो है यहां से जो अपना सब्सिडियरी के साथ ये फंड जो है चलाता है दोस्तों, जो कि एक इसका ऑफिस है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस दुबई में। द ओवरसीज सब्सिडरीज हेल्प टू केटर टू इंस्टीट्यूशनल एंड हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर अक्रॉस एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, यूके, यूएस एंड यूरोप, तमाम बड़ी बड़ी देशों में
ये अपना बिजनेस फैला के रखा है इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव टू कंसोलिडेटेड ओवरसीज ऑपरेशन। नेम इंडिया प्लान्स टू फ्यूचर ग्रो द बिजनेस इन सिंगापुर। फ्यूचर कहां पर है? सिंगापुर इनका टारगेट है। एंड इंक्रीजेस ऑपरेशन इन मॉरिशियस इन द नियर फ्यूचर। मॉरिशियस में भी ये अपना ऑपरेशन चालू करेगा दोस्तों, अपना जो है बिजनेस को यहां पर भी फैलाएगा। क्या लग रहा है आपको, ये क्या चलेगा आने वाले समय में, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हर फंड में भी कंपनी यहां पर जबरदस्त यहां पर काम करते हुए दिखेगा। मैनेज्ड अकाउंट्स, अकाउंट को भी मैनेज करता है, जो कि ये देखिए किसके तहत किसके साथ करता है, इसका एक सब्सिडियरी कंपनी है निप्पन लाइफ इंडिया AIF मैनेजमेंट लिमिटेड, इसके साथ कंपनी करता है। मैनेज 50 स्कीम्स अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड अक्रॉस कैटेगरीज 2 एंड कैटेगरी 3। NIAIF ऑफर्स वेरियस कैटेगरीज अंडर लिस्टेड इक्विटी, हाई यील्ड रियल एस्टेट, डेप्ट, क्रेडिट एंड टेक, BGFOF, व्हिच आर प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स रजिस्टर्ड विद सेबी। यहां पर जो फाइनेंस वाली कंपनी जो जानते हैं दोस्तों, इनको ये तमाम फंड के बारे में पता होगा। यहां पर भी बढ़िया कंपनी यहां पर बिजनेस ला रहा है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर देखेंगे, ये देखिए करेंटली नैम इंडिया हैज ए पैन इंडिया नेटवर्क ऑफ 287 लोकेशन तक पहुंच चुका है, व्हिच इज अमंग द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। देखिए अमंग इंडस्ट्री में कंपनी जो है हाईएस्ट में है इन उसके नेटवर्क के लिहाज से अगर देखेंगे। नंबर वन कंपनी दोस्तों, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, थोड़ा सा प्रेशर झेल रहा है। अगर आप इस प्रेशर को झेल सकते हैं दोस्तों, तो इसमें अभी भी मौका है, आप आराम से इन्वेस्टमेंट करके चलिए, ये तो आने वाले समय में दौड़ेगा। नेक्स्ट आइए कंपनी के रिलेटेड और भी पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। कंपनी की अगर हम ROE देखेंगे, ये देखिए 21.94% की ROE कंपनी दर्ज किया है। लेटेस्ट ROC 27.94% है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 64.05% दोस्तों, हाईएस्ट ये आप यहां पर देख पा रहे हैं। कंपनी की डेप्ट ऑफ इक्विटी रेशियो कितना है? 0 है, बिल्कुल ही आपको डेप्ट फ्री कंपनी ये दिखेगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसकी शेयर प्राइस किस CAGR में ग्रो कर रहा है, इसकी अगर हम टोटल शेयर प्राइस का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट को देखेंगे, एक साल का कितना है 68.40%, और पीछे लॉन्ग टर्म में तीन साल का देखिए 41.31% में ग्रो करते हुए आपको दिखेगा। नेक्स्ट आइए कंपनी के जो है दोस्तों यहां पर जो रिटर्न प्रोफाइल है ये कैसा है, इसको भी देख लेंगे। पिछले तीन साल का अगर रिटर्न देखेंगे, देखिए 177.24% है, एक साल की अगर बात करेंगे 65.44%, ईयर टू डेट जनवरी से लेके अक्टूबर तक अब देख पा रहे हैं 48.50% की। क्या कुछ डिलीवरी उठाया जा रहा है इसको भी हम देख लेंगे। ये देखिए मंथली एवरेज डिलीवरी 39.52%, और पिछले एक हफ्ते की एवरेज डिलीवरी अगर देखेंगे 51.26%, जबरदस्त यहां पर डिलीवरी उठाते हुए आपको दिखेगा दोस्तों। बात करेंगे कंपनी का जो नंबर से नंबर कैसा चल रहा है, यहां पर भी हम इसको चेक करेंगे। यहां पर अगर देखेंगे दोस्तों, यहां पर कंपनी का जो नंबर, ये देखिए क्वार्टरली कैसा हो रहा है इसको भी हम चेक कर लेंगे। जून 2020 की अगर बात करेंगे, कंपनी का रेवेन्यू आया था 215 करोड़, और जून 2021 में ये आया है 280 करोड़। ईयर वाइज भी आपको ग्रोथ दिखेगा, क्वार्टरली भी कंपनी यहां पर ग्रोथ दिखाते हुए आपको दिखेगा। नेक्स्ट बात करेंगे कंपनी का जो दोस्तों यहां पर शेयर होल्डिंग में क्या हो रहा है इसको हम देख लेते हैं। 73.97% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, कोई भी शेयर यहां पर प्लेस होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। FII अपना होल्डिंग बढ़ा दिए हैं 6.6%। DII ये देखिए इनका होल्डिंग भाई साहब बढ़ गया है, जबरदस्त बढ़ के यहां पर हो गया है 8.81%। ऐसे में आप देख पा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। सितंबर 2021 की होल्डिंग है 8.81%, बाकी जो है पब्लिक होल्ड करते हैं यहां पर देखिए 10.63% की। यहां पर देखिए सितंबर 2021 में पब्लिक घट गए हैं, बट यहां पर इंस्टीट्यूशन इसकी अहमियत को जान गए हैं दोस्तों, कंपनी का जो पोटेंशियल है इसको भांप चुके हैं और यहां पर ये घुसते हुए आपको दिखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कंपनी का जो दोस्तों
बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को भी देखना हमको चेक करना बहुत ही जरूरी है। रिजर्व वगैरह कितना है, 2,317 करोड़ का रिजर्व है। लॉन्ग टर्म में कोई भी कर्जा नहीं है, शॉर्ट टर्म में भी कर्जा आपको नहीं दिखेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 304 करोड़ का कैश अपने हाथ में रखा है। कंपनी इन्वेस्टमेंट कर कितना करके लिखा है, 2,513 करोड़ का यहाँ पर कंपनी अब इन्वेस्टमेंट करके रखा है दोस्तों। टोटल एसेट बढ़ रहा है, आप देख पा रहे हैं 2019 यहां पर था, अब बढ़ के 3,288 करोड़ यहां पर हो गया है। जबरदस्त कंपनी है, माल बोल मैं कहता हूं दोस्तों, आप अभी भी इसमें उठा सकते हैं और खरीद के या अपने जो है पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बेहतरीन पीक आपके लिए ये हो सकता है बस दोस्तों। बट यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा दोस्तों यहां पर, कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है दोस्तों, ये वाला डिसीजन तो आपके खुद का है। बस आज के लिए इतना था, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।